कश्मीर पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। जो कुछ हमारी स्ट्रेटजी है उसमें मोदी फंसता हुआ चला जा रहा है। अब ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, और मैं तीन दिन जो है चीन में था तो मुझे काफ़ी सारा वक्त मिला, चार दिन कमर जवेद बाजवा के साहब और जनरल फैज के साथ, DGISI के साथ वक्त गुजारने का, क्योंकि हम वहाँ इकट्ठे थे। और मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज जो है हर लम्हा तैयार है, किसी किस्म की अगर जारियत होती है तो उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जो हमारी स्ट्रेटजी है इंटरनेशनली मीडिया में लोगों के साथ, वो ठीक है। जनाब जनरल कमर बाजवा साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक सिखों के साथ अपना तल्लक का नाता जोड़ा है करतारपुर तक, और प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं करतारपुर इमरान खान साहब राहदारी का इफ्तिताह करने के लिए गालबन 6 और 8 के दरमियान। और हम भी एक तारीखी रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और बाबा गुरु नानक के इस दिन पे हमने खसूसी ट्रेन चलाई है और उसको सारी दुनिया में पजीराई मिली है। अफसोस ये है कि हम उसको खुद यहाँ मीडिया में वो मुकाम नहीं दिला सके। इसमें हमारी गलती है और रेलवे की गलती है। खसूसी ट्रेनें हम वाघा से ले कर भी आ रहे हैं, और कराची से ले कर भी आ रहे हैं, और KPK से भी लेके आ रहे हैं, और बलूचिस्तान से भी लेके आ रहे हैं। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम अपने सिखों के लिए एक भरपूर खिदमत का इजरा करेंगे। और इलाके के लोगों से भी मेरी अपील है कि जब हमारे सिख के लोग यहाँ तशरीफ़ लाएं, खालिस्तान के लोग यहाँ तशरीफ़ लाएं, तो उनका खूब आव भगत की जाए और खुद खूब उनकी मेहमानदारी की जाए। मैं खुद 1, 2, 3 महीने के बाद अब इसके मुकम्मल होने पे आऊँगा, और मैं देखता रहूँगा कि इसकी क्या अफादियत है। और जिस तरह बाबा गुरु नानक के करतारपुर राहदारी का 1 साल में काम किया है, मैं समझता हूँ पाक फ़ौज को इसका बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है, और इमरान खान को जाता है, और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को जाता है। फजलुर्रहमान साहब, मैं तो वैसे 2 बजे, आज 2:15 बजे जिना एक्सप्रेस के साथ कोचेज लगा रहा हूँ, इकॉनमी की वहाँ बात करना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला ठीक हो जाएगा, मुलाकातें हो रही हैं, फजलुर्रहमान से भी बातचीत जारी है और दूसरे लोगों से भी जारी है। मैं तो पुरुमीद हूँ, इसीलिए मैंने लाहौर में कहा कि 23 से 26 तारीख को मैं इस पर अपनी राय दूँगा, क्योंकि मुझे शहबाज शरीफ भी विकेट के दोनों तरफ नज़र आते हैं। मैंने तो उसको खुद कहा कि भाई एक तरफ खेल ले, या हाथ आसमान पे लगा ले या पांव ज़मीन पे लगा ले। और पीपल्स पार्टी शहजादा जो है उसने अपनी तहरीक शुरू कर दी है, सो वो मौलवियों से डरा हुआ है, वो नहीं जाएगा उस तरफ। उसको पता है ये धरना दे देंगे मौलवी वहाँ पर इस्लामाबाद में, और वहाँ धरने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुमकिन है मौलाना फजलुर्रहमान को कश्मीर की रैली निकालने के लिए, धरने के लिए नहीं, धरने की इस्लामाबाद में गुंजाइश नहीं है, और एक दरमियानी रास्ता निकल आए, और फजलुर्रहमान जो फेस सेविंग मांग रहा है उसे फेस सेविंग दी जा सकती है। मैं समझता हूँ हमारी गलती है, हमने बहुत ज़्यादा उनको लिफ्ट कराई है। आप सवाल करते हैं, और ये हमारी, मैंने कल कैबिनेट में कहा है कि हमारी मीडिया पॉलिसी मुनासिब नहीं है, हम खाम खा उनको लिफ्ट करा रहे हैं। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तला'आत रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमने खाम खा उनका हवा बनाया हुआ है। जिसने आना है आ जाए जी, और इस्लामाबाद में सब अच्छा है, सब अच्छे की वहाँ धुनें बज रही हैं। कोई ये ना समझे कि इस्लामाबाद में कोई खौफ और आस है। ये दुनिया में इस्लामी कुव्वतों को बदनाम करने की साजिश है। मदरसे इस्लाम का किला है, उलमा काबिल एहतराम है, हमें उलमा की इज्जत करनी है। ये बाज़ बेवकूफ़ जो है, बाज़ बेवकूफ़ ताकतें फजलुर्रहमान की जो लुक पेश कर रही हैं वो दहशतगर्द की हैसियत से पेश कर रही हैं, वो एक फोर्स की हैसियत से पेश कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत है, क्योंकि ख़ुद मौलाना फजलुर्रहमान 1-2 दफ़ा दहशतगर्दी की नज़र होने से बचे हैं। और जहाँ तक ये डंडे वंडे सोटियाँ ये रखते रहते हैं इंतजाम के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपके एक सवाल, आप प्रेस से? अच्छा, आपका एक सवाल हो गया। भाई 1 महीना पहले से हमने मीडिया में ऐसी, दरअसल मसला क्या है,
مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میڈیا کو چلانا آسان کام نہیں ہے، میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، لائیو پروگرام 24 گھنٹے چلانا بہت بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو مل گیا فضل الرحمان، کھیلتے رہیں۔ فضل الرحمان ڈنڈے لے کے، چنڈے نہیں، ڈنڈے لے کے اسلام آباد میں ویڈیو بنائے اپنی، ابھی اسلام آباد میں نہیں بنایا اس نے، جہاں بھی بنایا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو لاہور کہنا چاہتا تھا لیکن یہاں کہا گیا، میں کوئی اتنا جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے بغداد کی راتیں نہیں دیکھ رہا، سب اچھا دیکھ رہا ہوں۔